नमस्कार दोस्तों, आरएस डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में स्लीव डिजाइन बनाना बताएंगे। तो इस तरह देखिए, इसकी हमने पूरी लंबाई 6.5 इंच ली है। अब 3 इंच पर आर्म होल की गोलाई दे देंगे इस तरह से। उसके बाद इस वाली साइड से हमने लिया है 1 इंच, 1 इंच का निशान बनाते हुए इस तरह सीधा कर देंगे और उसे यहीं से कट कर देना है। अब कपड़े पर रख के भी कट कर लेना है। तो देखिए, हमने कपड़े पर भी कट कर लिया। अब इसके दो पार्ट इस तरह से हो गए हैं। तो सीधी वाली साइड में ऊपर की तरफ हमने अस्तर को रखा, ये यहाँ का जो कट किया है वो कपड़ा है, तो वो हम इन गोल्डन कलर का लेंगे। तो कट कर लिया है, पहले ये वाला दोनों पार्ट ये जो है जोड़ कर तैयार कर लेंगे। उसके बाद जो इस पर डिजाइन रहेगी उसे बनाएंगे। तो इस तरह हमने सिलाई लगा दी है, अब इसको पलट कर सीधा कर लेंगे। तो ये दोनों पार्ट हमने सीधे कर लिए हैं, अब इस पर सिलाई लगा देंगे। अब देखिए, गोल्डन वाला कपड़ा लिया है, इस तरह इस पर भी सिलाई लगा लेना है इस तरह और कपड़े पर। अब देखिए, इस पर डिजाइन बनाएंगे। अब यहाँ से ये 6 इंच आएगा, 6.5 इंच पूरी इसकी लंबाई थी, आधा इंच नीचे सिलाई में गया, अब 6 इंच बचा। अब दोनों तरफ से ऊपर और नीचे एक एक छोड़ेंगे तो 5 इंच आएगा। 5 इंच पर हम डिजाइन रखेंगे, आधा इंच नीचे छोड़ना है, आधा इंच ऊपर और बीच में जितना भी आएगा उसमें डिजाइन रखना है। तो 5 इंच हमारा आएगा 1 इंच छोड़ने के बाद, तो यहाँ पर 1.5 इंच के डिजाइन हम रखेंगे। 1.5 इंच लेंगे पर बीच में आधा इंच का, आधा इंच से थोड़ा सा कम ही बीच में छोड़ देना है। 1.5 इंच पर बिल्कुल गोलाई देते हुए इस तरह से 3 कट रखेंगे। दोनों तरफ से ये निशान हमने कट के बना दिया है, तो इस तरह से बना लेना है। उसके बाद कपड़े के ऊपर रखकर, बुकरम पट्टी को कपड़े के ऊपर रखकर हमने एक सीधी सिलाई डाल दी है, इस पर भी एक सेंटर मार्क कर दिया है। अब इसको बराबर से मिलाकर रखेंगे, ऊपर की तरफ भी आधा इंच छोड़ना है और नीचे की तरफ भी, और बराबर से रख लेना है। फिर ये जो जहाँ से ये निशान है वहीं से सिलाई लगा लेनी है, और बीच में जो आधा इंच का गैप दिया है वहाँ पर सिलाई नहीं लगानी है। वहाँ से हमें ये जो बुकरम पट्टी है उसे कट करना है, तभी ये तीनों डिजाइनें पलटेंगी। अब इस तरह से कट करेंगे, बराबर से कट कर देंगे, फिर इस पर कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद पट्टी को देखिए, यहाँ से हमने कट कर दिया है। अब इस तरह अंदर की तरफ पलट देना है। अब देखिए, डोरी बना कर लेंगे और यहाँ पर 2.5 इंच की कट कर लेना है। 2.5 या 3 इंच ले सकते हैं, थोड़ी सी बड़ी ही रखें, छोटी नहीं करना है। अब तीनों को देखिए इस तरह से बांध लेंगे। उसके बाद ये हमने रेड वाला कलर का ये कपड़ा दिया है, पट्टी चाहे ले लें या कपड़ा, अंदर की तरफ इसे फोल्ड कर दें, छोटा सा ही लगेगा। अब इसे बांधना है इसी कपड़े से, यहाँ से डोरी को इस तरह से बांध देंगे और अंदर वाली साइड में ले जाते हुए इसे पकड़ते हुए सिलाई लगा लेना है।
तो इस तरह हमने तीन डिजाइनें बना ली है। देखिए तीनों कट पर इस तरह रखते हुए इसे यहीं पर सिलाई लगाकर अच्छे से सेट करना है। तो देखिए हमने तीनों डिजाइनों को अच्छे से यहाँ पर सेट कर दिया है इन कट पर। अब इसे देखिए इस तरह से लगाना है। 2 इंच की चौड़ाई लेते हुए हमने कट किया था डबल फोल्ड करके 1 इंच, तो उतने पर ये डिजाइन अब भर देंगे इस तरह से दोनों तरफ से बराबर से रखते हुए जहाँ से डिजाइन है उसके बाद अंदर की तरफ जितना भी कपड़ा आएगा उसे अंदर कर देना है और वहीं से सिलाई इस तरह लगाकर देखिए दोनों पार्ट हमने इस डिजाइन पर सेट कर दिए हैं। अब लिया है लेस और किनारे जहाँ से ये ज्वाइंट हुआ है वहीं पर हम लेस लगा देंगे गोल्डन, दोनों तरफ इस तरह से लगा देना है। तो इस तरह हमने लेस को लगा दिया है। अब हमें 2 छोटी छोटी सी डिजाइनें लेनी है इस तरह से। यहाँ पर लिया है 1.5 इंच का चौकोर कपड़ा और इस तरह फोल्ड करते हुए कपड़े पर सिलाई लगा दी है। फिर वही डोरी ली है जो यहाँ पर डिजाइन के लिए ली है। अब इस तरह रखते हुए डोरी को भी इस तरह रखते हुए सिलाई लगा दी है। अब एक मोती इस पर लगा देंगे। इसी तरह से हमें 2 डिजाइनें लेनी है, पूरे पर नहीं लगाएंगे, सिर्फ जहाँ से गोल्डन वाली डिजाइन है वहीं से ये 2 डिजाइनें इस तरह लगाएंगे। आप चाहें तो पूरे पर भी लगा सकते हैं, इसी तरह बनाकर पूरे स्लीव पर लगा सकते हैं। तो देखिए हमने सिर्फ 2 डिजाइनें लगाई, हमारा ये डिजाइन बनके तैयार हुआ। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू डिजाइन के साथ। धन्यवाद।